celor prin anume vă rog pe data dumneavoastră la agenda asta la ele, dar ea mai trebuie să se simte. Pe data dumneavoastră mai am dată la ele, să fie am आपकी वाणी सुने ताकि आप हमसे बातें करें ताकि हमारे मनों के चिंताओं को हम दूर करें ताकि हमारे जो अविश्वास है उसका हल हमें बताए। पिता परमेश्वर इस पूरे हफ्ते पर हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है। पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे चीजें हुआ है जो हम बयां भी नहीं कर सके। बोझ से दबे हुए लोग हैं हम पिता परमेश्वर के नाम। ये सारे बोझ को हटा दो पिता परमेश्वर। हमारे मन व्याकुल है पिता परमेश्वर, हम तरस रहे हैं पिता परमेश्वर उस शांति के लिए जिसका आपने बोला था कि आपके बच्चों का है, आपके संतानों का है। पिता परमेश्वर हमसे ऐसे बातें कर पिता परमेश्वर आज कि हम हमारे व्याकुल मनों को शांत कर सके, हमारे चिंताओं को आपके ऊपर डाल सके, हमारे शरीर में तंदुरुस्ती लाए पिता परमेश्वर, हमारे मनों को शांत करे पिता परमेश्वर, सारे तूफानों को थमा दो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जो उठे हैं, क्योंकि हम केवल और केवल आपकी आराधना स्तुति करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, केवल और केवल आपके लिए जिंदगी जीना चाहते हैं पिता परमेश्वर। ये जिंदगी जो है व्यर्थ है अगर मैं आपके लिए जी नहीं सकता हूँ, ये जिंदगी व्यर्थ है अगर आपका कुछ काम नहीं आता है इसमें से पिता परमेश्वर, आपका गौरव नहीं होता है मेरे जिंदगी द्वारा। आज मैं यहाँ पर आया इसलिए नहीं कि कुछ सुनो और घर जाओ, पर इसलिए ताकि मेरा पूरा जीवन परिवर्तन हो जाए, पूरा बदल जाए मेरा जीवन, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे जो भी मैं सोचता था आज तक वो पूरा बदल जाए। परमेश्वर हम सच में चाहते हैं कि केवल केवल आप बात करें और हम सुने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना स्वीकार। आमेन। आमेन। पवित्र शास्त्र में ऐसा एक राजा है जिसका नाम दाऊद, सब जानते हैं दाऊद को। तो दाऊद के जान के पीछे पड़ा था उसका जो राजा था, तभी वो राजा नहीं बना था, तो उसका ऊपर एक राजा था जिसका नाम था सौल। सौल, सौल राजा, सौल। ओके, तो सौल का जब जब सौल मर गए, जब सौल राजा मर गए तो दाऊद का मन व्याकुल होने लगा, दाऊद का मन व्याकुल होने लगा और वो बोलने लगा कि सौल के घराने का क्या कोई है जिसके ऊपर मैं, नहीं, सौल का घराने का कोई है जिसके ऊपर या जिसके साथ मैं भला कर सकता हूँ, तो मुझे बताओ। तो अपने सैनिकों को भेजा, बोला कि ढूंढो, यदि मेरे राजा सौल, क्योंकि वो राजा बन गए, यदि मेरे राजा सौल के घराने के कोई भी लोग हैं तो उनको लाओ ताकि मैं उनका आदर करूं, उनका सम्मान करूं, उनका ख्याल रखूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय राजा जो थे वो सौल है और वो मर गए, तो क्या उनके घराने का कोई बच गया है ताकि मैं उनके ऊपर दया दृष्टि करूं, कृपा करूं। और एक बंदा बचा था, एक बंदा बचा था जिसका नाम था मैफीबोशेत। उसका नाम था मैफीबोशेत, ठीक है, बड़ा सा नाम था, उसके माता पिता ने कैसा रखा ये नाम। पर ये बंदा बहुत निराश था जिंदगी में, ये बंदा बहुत ही क्या बोलते हैं, डिस्करेज था, निराश था वो जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वो अपाहिज था, वो अपाहिज था और उसको लगा कि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। तभी दाऊद ने उसको बुलाया, क्यों? क्योंकि वो एक कोने में बैठा था, इसराइल राजा इसराइल के एक कोने में बैठा था। तो दाऊद ने उसको बुलाया और दाऊद ने कहा कि अब से आगे तू हर दिन मैं तेरा ख्याल रखूंगा और तू मेरे दर पे, मेरे दरबार में तू खाना खाएगा और भोजन करेगा मेरे साथ। आप सोचो,
वो बंदा जिसने सबने उस बंदे को ठुकराया क्योंकि वो अपाहिज था। एक दिन ऐसा आया जब वो निराशा बैठा था अपने घर में और खटखटाते हुए दाऊद के सैनिक आते, बोलते किंग राजा ने बुलाया आपको, और राजा लेकर वो लोग राजा के पास लेकर जाते हैं और राजा कहता है कि इसके बाद तुम्हारे सारे खर्चे मेरे ऊपर है, तुम सदा सर्वदा के लिए मेरे घर पे रहोगे और मेरे मेरे मेज पे खाओगे। उसका जीवन चंद मिनटों में बदल गया और वो जिंदगी भर दाऊद राजा के शुक्रिया आभारी रहा, आभारी रहा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कृपा हुई है, उसमें कुछ ऐसे गुण नहीं थे कि जिससे दाऊद राजा उसके ऊपर इतना बड़ा क्या बोलते दया करे, पर दाऊद राजा ने चुना उसके ऊपर दया करने के लिए। हम में कोई गुण नहीं था कि परमेश्वर हम पे दया करे, हम तो अपाहिज थे गुनाहों में, पर वो मेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है और सदा सर्वदा में मैं प्रभु के घर में निवास करूंगा क्योंकि उसने हम पर कृपा और दया किया है। ये परमेश्वर का प्यार है। हमारे क्वालिफिकेशन या हमारे गुण इसके लिए क्या थे, हमारे काबिलियत का था इसका कि हम गुनाहों में थे। अरे यार, अगर आप बोल रहे हो कि आपका एक बिजनेस है, आपका एक क्या बोलते हैं बिजनेस व्यापार है, और आप बोलोगे कि मुझे 10th पास नहीं चाहिए, मुझे ग्रेजुएट नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, रस्ते के भिखारी को उठाकर आप आपके व्यापार में डालोगे कोई लगाओगे, सब पैसों का तुम संभालो, कोई भिखारी आएगा भीख मांगने के लिए आपके दर पे, आप बोलेगा आओ ये मेरा व्यापार है, हाँ मेरे ज्वेलरी का दुकान है, सोने का दुकान है, सब बिजनेस आज से तुम संभालो, भिखारी को कोई बोलेगा ऐसा नहीं ना। पर परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसे ही किया था, हमारा दशा जो था, हमारा दशा जो था, हम वैसे थे, हम भीख मांगने के लायक ही नहीं रहे, हम गुनाहों में इतने डूब गए थे कि हमारा कोई काबिलियत या योग्यता नहीं था। और जब हमारा काबिलियत और योग्यता सबसे बुरा था, तभी परमेश्वर ने हमें कचरे से उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया अपने बेटे के दाहिने ओर। आमीन। ऐसा प्यार करता है हमारा परमेश्वर हमसे, है ना। ये कैसा अनुग्रह, ये कैसा गुनहगार, आज हम सबसे बड़े खूबसूरत बाइबल के वचन को जानने वाले बड़े अच्छे से कोई बता सकता है वो बाइबल का वचन क्या है? John 3:16, John 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास लाए नाश ना हो पर अपनी जीवन पाए। है ना, आज वो वचन को एक्चुअल में देखने वाले कि यीशु मसीह ने वो वचन किसको कहा, क्यों कहा। हम पूरे दुनिया में जब भी हम देखते हैं ना, जब प्रचार होता है इस वचन पे, तो हम अन्य जाति को बोलते हैं, पर यीशु ने अन्य जाति को नहीं बोला, यीशु ने फरीसी को अन्य जाति को, और फरीसी के सामने ये सबसे खूबसूरत बाइबल का वर्स क्यों बोला यीशु ने आज हम, ठीक है, तैयार। ये स्टोरी तो आपको पता है ना, ये चौंक गया, ये बोला ये बातें क्यों कर हो सकती है। यदि किसी को ये स्टोरी अभी तक याद नहीं है, ओके, जल्दी से हम देखेंगे, रीड इट, नॉट देयर, ओके। लास्ट टाइम हमने देखा था अविश्वास की समस्या, मतलब अविश्वास क्या होता है, सब लोग जानेंगे कि अविश्वास क्या होता है। वो देखा ना कि उसके पास हाथ नहीं थे, वो शर्ट डाला था उसके ऊपर, उसके पास हाथ नहीं थे, मतलब विश्वास होकर आप कार्य नहीं कर रहे हो, विश्वास होकर आपसे कुछ हो नहीं रहा है, वो अविश्वास है, उस वो विश्वास का कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि अविश्वास का हल, दो महान गुरुओं का टक्कर, दो महान गुरुओं का टक्कर। एक कौन है? हमारा रबी, और दूसरा कौन है? निकोदेमस। अभी देखो इनके बीच में वाद विवाद कैसा होता है, वाद विवाद मतलब 5 मिनट में पूरा इसका
चलो रीड लाओ। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं देख सकता। यीशु बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। वापस से ये बोल। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हैरान हो गया, ये चौंक गए, ये हैरान हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि बाहर के करने से आपको राज्य के प्रवेश नहीं मिलता है, अंदर आत्मा के कार्य से आपको राज्य में प्रवेश मिलता है, और वो कार्य के ऊपर आपका नियंत्रण, आपका कंट्रोल नहीं होता है, आपका नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा का नियंत्रण है। जैसे हवा के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, वैसे आत्मा के कार्य के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये हैरान हो गया, ये बातें क्यों कर हो सकती है? देखो, अच्छा पाना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो यीशु ने फिर से कहा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। ये बातें क्यों कर हो सकती है? समझ में आ गया? ये चौंक गया, ये बोल रहे, इतने सालों से मैंने कार्य किया, ये कार्य करने से मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे खुश होते हैं, मन्नत मांगने से, बिना चप्पल के चलने से, नारियल फोड़ने से, ये सब से मुझे परमेश्वर खुश होते हैं, ये मुझे मेरे पूर्वजों ने सिखाया था मुझे। पर ये चौंक गए, और इसके बाद ये उसके आखिरी शब्द है, इसके बाद ये दंग रह गए, चुप बैठ गए, क्योंकि उनको वो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि यीशु ने उनका पूरा नींव हिला दिया, यीशु ने उनका पूरा नींव हिला दिया। आगे देखो, तू इज़राइलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता? तू इज़राइलियों का गुरु होकर भी, फरीसियों का फरीसी होकर भी तू इन बातों को नहीं समझता? अरे यार, ये तो इंसल्ट हो गया, बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया उसको, उसकी काबिलियत पे इंसल्ट है। इंसल्ट मतलब बेइज्जती होगी, उसकी काबिलियत पे बेइज्जती होगी। तू इतना बड़ा इज़राइल का गुरु होकर भी ये बातें नहीं समझता है? अरे बच्चे बच्चे जानते हैं। इसलिए ये और एकदम क्या बोलते हैं उसको, और उबल रहा है, आग से उबल रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि इतने साल मैंने व्यर्थ लगाया, मेरे व्यर्थ गए। तो आगे देखो यीशु क्या कहते हैं। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम तो जानते हैं कि वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। हेलो, यीशु मसीह के साथ वहां पर कौन बैठे थे? कोई नहीं। कोई बैठा था यीशु मसीह के साथ? बैठा था कि नहीं बैठा था कोई यीशु मसीह के साथ? सिर्फ यीशु मसीह और निकोडिमस, राइट? कोई और बैठा था? नहीं। तो यीशु मसीह के लैंग्वेज में क्या हो गया, यीशु मसीह के भाष्य में क्या हो गया? यहाँ पर देखो, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं, हम कौन भाई? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मैं जो जानता हूँ, है ना? पर हमारे बाइबल में, आपके बाइबल में भी यही लिखा है ना, हम लिखा है ना, yes. हम कौन है? ये देखो, वह कहते हैं और जिसे हमने देखा, हम कौन है भाई? आप अकेले बैठे हो वहाँ पे, आप सपोज आप किसी को मिलने के लिए गए, हम आए आपसे मिलने के लिए, सब लोग देखेंगे हम मतलब कौन है, और भूत वगैरह सब आ गए आपके साथ, और कौन है? आप तो अकेले दिख रहे हो, और आप बोलोगे हम आए आपसे मिलने के लिए, कोई सेंस बनता है? एक ही बंदा दिख रहा है, वो बोलेगा कि हम आए, नहीं ना? तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमने जिस चीज को जाना है, हमने जिस चीज को देखा है, हम कौन है भाई? आपको पता है जब निकोडिमस आया था यीशु मसीह के पास, तो निकोडिमस ने क्या बोला पहले? हम जानते हैं कि तुम परमेश्वर की ओर से आए। वो हम कौन था? फरीसी लोग। निकोडिमस सारे फरीसी के लिए बात कर रहे थे, तो यीशु मसीह भी अपने शिष्य के साथ बोल रहे थे कि हम जानते हैं। समझ में आया?
यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों को इन्वॉल्व कर रहे, तुमने क्या, तुम क्या जानते हो, हम। ये बहुत खूबसूरत चीज है। एक बात बताओ क्यों? यीशु मसीह के हम में हम आते हैं, और हमारा काबिलियत भी नहीं है यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, और यीशु मसीह अपने साथ हमको लेकर जाते हैं। अरे हम जानते हैं, हम कौन, हम मुझे कुछ नहीं मालूम, हाँ पर डरो मत, मेरे साथ हो तुम, मेरे गैंग में हो। अरे निकोडिमस के गैंग से रहने से अच्छा तो यीशु मसीह के साथ रहना अच्छा है ना, क्योंकि यीशु मसीह अगर हम, परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन कर सकता है। तो ये मैं यीशु मसीह के हम में हम आते कि नहीं आते? आते हैं। मैं ताली बजाने के लिए नहीं बोला, मैं ताली बजाने के आप उठाइए। यीशु मसीह के हम में हम आते हैं। यदि यीशु मसीह के हम में हम आते हैं तो इन चीजों को हम जानते हैं कि अपने कार्य से हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, हम किसी को खुश नहीं कर सकते। यदि निकोडिमस के हम में हम आते हैं तो हम कार्य करने की कोशिश करते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए। यदि आप कार्य कर रहे हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, आप निकोडिमस की टीम पे हो। और यदि आप जानते हो कि आत्मा का काम जो है वो खुद का कार्य खुद करते हैं आप में से, आप सिर्फ आराम करो, तो आप यीशु मसीह के हम में, यीशु मसीह की टीम में रहना बेटर है ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कौन से टीम में रहोगे आप? इंडिया। पाकिस्तान, ठीक है। तो ये है कि हमने देखा उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते, मतलब ये अविश्वास दिखा रहे। आगे देखो, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतिति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतिति करोगे? लास्ट टाइम मैंने बताया था पृथ्वी की बातें क्या है, कि एक मनुष्य को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। स्वर्ग की बातें क्या है, कि सब कुछ परमेश्वर ने से पहले से ही तय कर लिया, आपको चुना, आपके बारे में सोचा, आपको चुना, आपको राष्ट्र बनाया, आपको सब कुछ कर दिया, आपको महिमा भी, ग्लोरीफाई महिमा भी दिया, सब कुछ कर दिया आपके लिए, मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। एक छोटे बच्चे को क्या करना पड़ता है एक बात बताओ, उसका कपड़े भी कोई डालता है, उसका सब कुछ पैंपर भी कोई डालता है, उसको नहलाता है भी मम्मी पापा, है सब कुछ मम्मी पापा करते हैं ना, बच्चे को क्या करना, मैं कर बस। ये स्वर्गीय बातें है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता है परमेश्वर को खुश करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी खुश है, आप इससे ज़्यादा परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। एक बात बताओ, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर आपसे बहुत ही खुश है। इससे ज़्यादा प्रसन्नता और इससे ज़्यादा खुशी आप परमेश्वर को नहीं दे सकते। जैसे आप हो परमेश्वर आपसे बहुत ही खुश है, परमेश्वर आपसे इतना प्यार। तो ये कह रहे कि यदि मैं इस धरती के बातें कहूँ और आप प्रतिति नहीं करते हो, आप ईमान नहीं लाते हो, आप विश्वास नहीं करते हो, स्वर्ग की बातें कैसे कहूँ आपसे? और यीशु मसीह ने स्वर्गीय बातें हमारे लिए की है। आगे देखो, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। वाह, इसका मतलब क्या है, गौर से सुनो, क्योंकि ये वर्स अगर किसी ने पढ़ा ना बाइबल में, वो ये वर्स स्किप करके आगे चला जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आता ये वर्स में। तो ये कह रहे यीशु मसीह कह रहे कि स्वर्ग की बातें यदि मैं आपसे कहूं तो आप विश्वास नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की बातें आपसे कोई नहीं कह सकता है, केवल मैं। क्यों? क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा योग्यता क्या है कि कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा, केवल वो जो स्वर्ग से उतरा है और वो मनुष्य का पुत्र है जो अभी स्वर्ग में है। इसका मतलब क्या है, आपको याद है सुमन बाबू के घर पे मैंने एक डब्बा बनाया था रिलीजन का, धर्म का, याद है धर्म का, हम सब वो डब्बे में बंधे हुए हैं। हम सोच रहे यीशु मसीह अपना अधिकार, अपना योग्यता यहाँ पर जता रहे कि मैं स्वर्ग की बातें क्यों कह सकता हूँ आपसे, क्योंकि मैं स्वर्गीय हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं केवल स्वर्ग से नहीं आया हूँ पर स्वर्ग से अभी भी मेरा नाता है, मैं अभी भी स्वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ। सबको समझ में आ रहा है? जो सोए हालेलुया बोल। यीशु मसीह कह रहे योग्यता उसी बंदे का है स्वर्ग की बातें आपसे कहने के लिए। आप एक बात बताओ, जो बाइबल के बारे में आपको सिखा सकता है वही बंदा होगा जो बाइबल पढ़ा है ना, करेक्ट कि नहीं?
अगर बाइबल नहीं पढ़ा है तो वो बंदा नहीं सिखा सकता है। अगर बंदे ने जिंदगी में 20 साल पहले बाइबल पढ़ा था और आज बाइबल नहीं पढ़ता है, आपको सिखा सकते कुछ बाइबल में से? ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा सिखा देगा, पर बाइबल से आपको पता चलेगा कि ये बंदा बाइबल नहीं पढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? जो बंदा डेली बाइबल पढ़ता है, जब वो सिखाता है, आपको पता चलता है कि ये बंदा बाइबल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। सही बात की नहीं? तो वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्ग की बातें मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि सदियों पहले मैं स्वर्ग में नहीं था, इसलिए नहीं क्योंकि अभी भी मेरा कनेक्शन स्वर्ग से है। अभी परमेश्वर का पुत्र कहाँ पर है? स्वर्ग में है। एक बात बोलूं, जहां पर आपका धन है वहां पर आपका, कभी कभी आप किसी जगह पर रहते हो पर आपका मन किधर और रहता है, कभी कभी पता है आपको ऐसा होता है? और संडे को ज्यादा होता है, पता है आपको? और लोग क्या कहते हैं, अरे आए क्यों, अगर बार बार आपका मन वहां पर है तो वहां पर ही रहो ना, यहाँ पर आकर सिर्फ आपका लाश, आपका बॉडी, आपका जिस्म है यहाँ पर आपका मन अगर वहां पर है तो आपका जिस्म को लेकर आपके मन के पास लेकर जाओ ना, कहते कि नहीं लोग? क्योंकि आपका मन अगर इधर नहीं रहेगा तो आपका यहाँ पर रहकर क्या फायदा, वहां पर ही जाओ ना जहाँ पर आपका मन है। तो यीशु मसीह कह रहा है मेरा मन क्या पर है, मेरा मन स्वर्गीय बातों पर है। पौलुस ने भी कहा कि अपने मन जो है स्वर्गीय बातों पर लगाओ जहाँ पर यीशु मसीह बैठे हुए हैं। पौलुस ने क्या कहा, मेरा मन इतना स्वर्ग में है कि मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग चले जाओ पर तुम्हारे खातिर मुझे यहाँ पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा मन तो वहां पर ही है, स्वर्गीय बातें सोचता हूँ, स्वर्ग के बारे में सोचता हूँ, स्वर्ग के बारे में बात करता हूँ, स्वर्ग के बारे में उठता हूँ बैठता हूँ, बस स्वर्गीय बातें ही होती है। शारीरिक बातें मैं कर नहीं सकता हूँ, मुझसे नहीं होती है क्योंकि मेरा कनेक्शन नाता जो है वो स्वर्ग से जुड़ी हुई है। तो यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र जो उतरा है वो ही क्या, मनुष्य का पुत्र क्या, जो स्वर्ग पर नहीं चला, जो उतरा हुआ पहला और जो स्वर्ग में अभी भी है, परमेश्वर यीशु मसीह कहाँ पर थे, निकोडिमस के सामने, फिर भी यीशु मसीह कह रहे कि मेरा कनेक्शन स्वर्ग में, अभी भी मैं स्वर्ग में हूँ, मतलब मेरे माइंड स्वर्ग में, इसलिए ये बातें मैं तुमसे कह सकता हूँ, ये मेरा योग्यता है कि अभी भी मैं स्वर्ग से जुड़ा हूँ, इसलिए स्वर्गीय बातें तुमसे कह सकता हूँ। आगे देखो, ये हमारा धरती है, सब देख सकते हैं, धरती में जब पाप आ गया एक डब्बे के अंदर हम बैठ गए, तो एक बात बताओ मुझे, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा केवल जो स्वर्ग से उतरा है, पहला क्या हुआ, चढ़ना हुआ या उतरना हुआ, गौर से पढ़ो, फिर से सब लोग पढ़ो जोर से, और स्वर्ग में कोई चढ़ा नहीं केवल वो जो उतरा, तो उतरना पहला हुआ या चढ़ना पहला हुआ, उतरना पक्का, पहले उतरे फिर चढ़े ना, पहले चढ़ेंगे कैसे बिना उतरे, नहीं ना, तो पहला उतरना पहला हुआ ना, यीशु मसीह पहले आए फिर चढ़े ना स्वर्ग में, करेक्ट ना, थैंक यू। तो आगे देखो, पाप, यीशु मसीह पहले आए, पाप का खात्मा किया और यीशु मसीह फिर से स्वर्ग में, हाँ, और समय, समय का मतलब क्या है, यीशु मसीह समय के अंदर सीमित नहीं है, He doesn't live in time. यीशु मसीह समय में नहीं जीते हैं, यीशु मसीह आदि है अंत है, right? He lives out of time. टाइम हम मनुष्य के लिए है, ये कभी बाद में आपको सिखाऊंगा, टाइम हमने बनाया, परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया ताकि आप टाइम में रहो, बंधे हुए हैं हम टाइम से, समय से बंधे हुए हैं, परमेश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको आजाद बनाया। Amen. सब लोग अपना हाथ ऊपर करो, कौन सा हाथ मैंने ऊपर किया, हाँ आप लोगों ने कौन सा हाथ ऊपर किया, पक्का ये वाला, सीधा 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 ये वाला, ये बस ठीक है, पढ़ो। और जिस रीति से मूसा ने, सुनो, यहाँ पर यीशु मसीह अविश्वास का हल देते हैं, गौर से देखो, गौर से सुनो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए।
किसको, किन लोगों को ये कहानी पता है? मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया, किन लोगों को ये कहानी पता है? कोई बता सकता है? से द स्टोरी, मूसा जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का सेवक था, उसने ऐसा किया जब इसराइलियों ने आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर की ओर से बहुत सारे जो जहरीले सांप थे वो आए और उन्होंने इसराइलियों को, जिन्होंने ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, वो जहरीले सांपों ने उन इसराइलियों को डस लिया और उन्हें मौत के उन्हें मार दिया, उन बहुत सारे इसराइलियों को। तब हारून और ये जो लोग हैं परमेश्वर के सेवक, वो मूसा के पास आए और रो रो कर कहने लगे कि कृपया दया कर, परमेश्वर से पूछ, और सारे इसराइली मर रहे हैं, उन्हें बचा, उन्हें कुछ कर, सबके सब मरे जा रहे हैं, सारे जो जहरीले सांप हैं वो उन्हें मार रहे हैं। तब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि वो ब्रॉन्ज का, पीतल का एक सांप बनाए, पीतल का सांप बनाए और लकड़ी पर उसे ऊंचे पर लकड़ी पर वो पीतल के सांप को लटका दे। और आज्ञा दी परमेश्वर ने कि जितने लोग जो मरने पर हैं, जो सांप ने डसा है वो बस मरने वाले हैं, उन लोगों को कह दे कि वो आकर अगर उस पीतल के सांप को उस लकड़ी पर लटके हुए देख लेंगे दूर से ही, तो वो क्या हो जाएंगे, वो सबके सब चंगे हो जाएंगे और बच जाएंगे, वो मरेंगे नहीं। Amen. ये क्रूस को दर्शाता है। अविश्वास का पहला हल क्या है? क्रूस। इसको समझ में आया कि नहीं आया? जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, एक लकड़े पर चढ़ाया सांप को, पीतल के सांप को, ओके, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। बाइबल में लिखा है John 12:32-33, John 12:32-33, जल्दी। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। मैं ऊंचे पर जब चढ़ाऊंगा सब पृथ्वी के लोगों को अपने पास खींचूंगा, ऐसे कहकर वो प्रकट कर रहा था कि वो कैसे मरेंगे, मतलब क्रूस। आमीन। आपको पता है वही चीज जो इसराइलियों को खा रहा था, डस रहा था, खत्म कर रहा था, उसी चीज को मूसा ने पीतल का बनाकर लकड़ी पे लटकाया ऊपर, वही सांप को लकड़ी पे लटकाया पीतल का बनाकर, ऐसे। और लोगों को अपने घर से रेंगते हुए जो सांप से डसे हुए हैं, उनको ये विश्वास होना जरूरी था कि अगर मैं वो पीतल के सांप को देखूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यदि मैं आपसे कहूं, यदि सपोज ऐसे ले लो कि आप आपके घर पे बैठे हैं और सांप वहां पर आपको आकर काटते हैं, ओके, और मैंने कहा कि ये सांप की लकड़ी को मैंने नाला सोपारा स्टेशन पे रखा है, आपको उस दशा में नाला सोपारा स्टेशन तक आपको आना पड़ेगा, रेंगते हुए कैसे भी करके आपको आकर से वो सांप के पुतले को देखना है और आप ठीक हो जाओगे। वो करने के लिए भी आपको विश्वास लगेगा, क्यों इतना मेहनत क्यों करूं, डॉक्टर के पास तो जा सकता हूं, डॉक्टर का कुछ इलाज होगा ना, इतना मेहनत, मैं एक तो बेड से उठ भी नहीं सकता हूं, और आप कह रहे हो कि नाला सोपारा स्टेशन आके वो सांप के इसको देखूं। उनको अपने घर कितने 60 लाख लोग थे 60 लाख लोगों के बीच में से सब रेंगते हुए उनको आना पड़ता था वापस इस सांप के पुतले को देखने के लिए, और केवल विश्वास से वो ठीक हो जाते थे। दवा ववा कुछ नहीं, दवाई कुछ नहीं, केवल अपने नजरों को वो उठाते थे और देखते थे इस सांप के पीतल को और वो ठीक हो जाते थे। ये परमेश्वर कहना चाहते थे कि एक दिन ऐसे आएगा कि मेरा पुत्र जो है, जो मेरे लोगों को खा रहा है, जो पाप मेरे लोगों को खा रहा है, वही पाप मेरा पुत्र बनेगा और वो क्रूस पर लटकेगा, और जो कोई अपने नजर इस पुत्र के ऊपर डालेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसके ऊपर अपनी नजर उठाकर देखेगा, वो ठीक हो जाएगा।
वो उद्धार पाएगा। अविश्वास का पहला हल है, आपको जानना है कि आपको केवल नजरें उठाना है और यीशु मसीह के क्रूस के पास